नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जी हां, बंगाल में शक्ति प्रदर्शन, और इस शक्ति प्रदर्शन में अपनी ताल अब ठोक दी है ममता बनर्जी में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से मास्टर स्ट्रोक चला, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रैली में अपने समर्थकों के बीच ममता ने कहा कि वो बीजेपी की साजिशों के आगे झुकेंगे नहीं। पुरुलिया के नंदीग्राम में रैली में ममता ने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया, मांग की कि केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। ममता ने इस रैली में हमला बोलकर अपना चुनावी इरादा भी जता दिया। लगे हाथों ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ हाल ही में ममता का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। तो एक तरफ रोड शो है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की रैली है, लेकिन ममता ने इस रैली में साफ तौर पर एक ऐलान कर दिया है कि वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी की साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। पंजाबेर कृषकरा रास्ता पड़े आछे, आज के कृषक मेरे कृषक प्रेम, बीजेपी सेम सेम, लज्जाओ करे ना। তোমরা বাংলা দখল করবে, কৃষকের ওই বিল, তিনটে বিল প্রত্যাহার করতে হবে। তা নাহলে জেনে রেখো, কোনো আন্দোলন ভারতবর্ষে সাকসেসফুল হয়নি। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ছাড়া করেছিলাম আমরা, আগামী দিন করে আবার দেখিয়ে দেব কোন ফলে কি হয়। तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति रफ्तार पकड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बीजेपी दिल्ली से कोलकाता तक ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री ने तो ममता को बांग्लादेशी तक कह दिया है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारत, भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। यूपी के मंत्री बोले ममता बनर्जी बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारत, भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी बोली बंगाल में कोरोना के टीके की चोरी हो रही है। चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है। टीएमसी बोली तीसरी बार भी बंगाल में बनाएंगे सरकार। ममता की मजबूत किलेबंदी है, लेकिन बीजेपी ने भी इरादा अटल बना रखा है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी का लक्ष्य सेट है, अब की बार 200 प्लस, यानी पार्टी 200 सीटें जीतकर सत्ता तक पहुंचने का फॉर्मूला सेट कर रही है। उन्हीं दावों में से एक है ये बयान। आगामी अप्रैल माह में वहाँ 294 सीटों में से भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, और वहाँ भी जो राष्ट्रवाद हमारा है, विराट हिंदुत्व की भावना से, वहाँ भी राष्ट्रवाद लागू होगा। बंगाल के सियासी रण से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी का ये बड़ा हमला है। निशाना साधने वाले यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, ममता दीदी के राज में हिंसा के आरोप लगाकर बीजेपी ने हमले तो पहले ही तेज कर दिए थे, अब पार्टी का आक्रामक अंदाज नेताओं की जबान से छलक रहा है। बंगाल में मुद्दा रोहिंग्या का है, सीए एनआरसी का है, हिंसा भ्रष्टाचार का है। बीजेपी तमाम मामलों को लेकर ममता को घेर रही है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारत, भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना, और अपने वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना, सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। बीजेपी लगातार कहती रही है कि पार्टी ने बंगाल की सत्ता संभाली तो एनआरसी लागू करेंगे। 20 दिसंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे पर सीए एनआरसी को लेकर केंद्र का प्लान बताया था।
अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार किला फतेह के इरादे से टीएमसी बता चुकी है, पार्टी लगातार सीए एनआरसी का विरोध करती रही है। अभी एक दिन पहले ही टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी की हर आक्रामक रणनीति की काट के लिए टीएमसी वैसा ही रुख अपना रही है। पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर बीजेपी है। अभी हाल ही में पार्टी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस बता दिया। श्रीमती को बोलबो जे एकटू चोख कान खोला राखबे, अनेकेई चारिपाशे कोरोना थेके बेशी डेंजरस, कोरोना थेके बेशी डेंजरस की जाने बीजेपी, कारण ओरा आमादेर कल्चर बोझे ना। टीएमसी बौखलाई हुई है, बीजेपी के तेवर से नाराजगी है, लेकिन बीजेपी समय के हिसाब से तुरुप के पत्ते को एक एक कर चल रही है। अब पार्टी राम मंदिर पर भी आवाज बुलंद कर रही है। 3 साल में मंदिर बन जाएगा दीदी, 3 साल जब तक मंदिर बन जाएगा आप अपने माफिया भतीजे को ले जाकर मंदिर के दर्शन करना और अपने सारे पाप धो लेना, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राम मंदिर के साथ साथ बीजेपी ने कई मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा, ऐसे में बंगाल की लड़ाई के और जोरदार होने की आहट होने लगी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर और कोलकाता से श्याम सुंदर घोष के साथ इंद्रजीत कुंडू आज तक। बीजेपी का आक्रामक एक्शन प्लान ममता दीदी को कड़ी राजनीतिक टक्कर दे रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा बंगाल में शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं ताकि इस साल वहां भी कमल को खिलाया जा सके। बीजेपी की नजर मिशन बंगाल पर है। चुनावों से पहले पार्टी की जड़ें मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। भारत माता की। दिग्गजों का दौरा भी बंगाल की धरती पर शुरू हो चुका है। भारत माता की। बीजेपी का दांव बंगाली अस्मिता को लेकर भी है। दिसंबर में अपने दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन में गुरुदेव टैगोर को नमन किया था, रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज यहां आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त कर मैं जा रहा हूं। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर भी तमाम बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम किए, उस बंगाली गौरव को नमन किया जिसकी कायल पूरी दुनिया है। बीजेपी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भी मेगा आयोजन करने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंचेंगे और नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी ने अपने धरती पुत्रों का आदर नहीं किया, मान नहीं रखा। वोटरों के बीच बीजेपी उसी मान सम्मान का हवाला देकर अपनी पहुंच बनाना चाहती है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही
10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में। जब भी बीजेपी ने धरती पुत्र और बंगाली अस्मिता की आवाज लगाई, टीएमसी ने उसका करारा जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी टाका दे और बीजेपी देखा चेन अपना बिहार इलेक्शन अपमानित हो गए गए अन्य इलेक्शन अपमानित हो गए हिंदू देर काछे गिये बोलबे ओदे खूब हिंदू मुस्लिम देर बोलबे ओई नेता गुलो के सब मुस्लिम ना नय ओई हैदराबादेर ओई नेता दे ओरा बीजेपी समर्थक गिये बोलबे हिंदू देर एलाकाय खूब गालागाली दाओ हिंदू देर ताले कि होबे हिंदूरा रेगे जाबे भोटटा आमी पाबो आर मुस्लिम एलाकाय गिये तुमी मुस्लिम देर होये एमन भालो भालो कथा बोलो जाते मुस्लिम देर भोटटाओ आमी पाई नेताजी की जयंती का मौका टीएमसी हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लिहाजा 23 जनवरी को जब प्रधानमंत्री कोलकाता में होंगे तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगी। बंगाली अस्मिता पर सियासत के बीच बीजेपी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी एक दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार को टीका चोर तक करार दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के अंदर जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें निःशुल्क वैक्सीन बांटा। पहली बात ये कि सारे प्रदेशों में बांटा और सारे प्रदेशों से कहा कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, हम सिरिंज दे रहे हैं, हम कोल्ड पॉड भी दे रहे हैं, आपका काम है वैक्सीन लगाना। पर दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी ने सबको पत्र लिखा कि ये वैक्सीन मेरी तरफ से बट रहा है, राज्य सरकार निःशुल्क बाँट रही है। अभी तक चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता दीदी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। पार्टी को यकीन है कि इस बार के चुनाव में ममता की कुर्सी खिसक जाएगी, लेकिन टीएमसी 2016 का अपना रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। पार्टी से नाराज नेता भी भरोसा जता रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। मेरे साथ मैं ये भी बोलती हूँ, जो लोग पार्टी से इतने दिन जुड़े हैं, सबका इस टाइम एक साथ लड़ना है और यूनाइटेड होकर लड़नी है बिल्कुल, और फिर से ममता बनर्जी को जिताना है। दावों इरादों के बीच सियासी घमासान जारी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर और कोलकाता से श्याम सुंदर घोष, इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दे रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के चुनाव में लड़ने का फैसला कर ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। टीएमसी ने तो ओवैसी को बीजेपी की कठपुतली तक, बी टीम तक बता दिया है। बंगाल में ममता के सामने दो दो मोर्चे हैं। एक चैलेंज है बीजेपी का, दूसरा बड़ा चैलेंज बन गया है ओवैसी का चुनावी दांव। AIMIM करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जता चुकी है। ओवैसी के नेता मिशन बंगाल पर पहुंच चुके हैं। हैदराबाद नगर निगम के पूर्व मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन उनमें से एक हैं, जो दो दिन पहले ही मुर्शिदाबाद पहुंचे। दरअसल बंगाल में जिस मुस्लिम वोट बैंक से ओवैसी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस पर अब तक ममता दीदी की पकड़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने टीएमसी पर भरोसा जताया। तो क्या ओवैसी ममता दीदी के उस कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है, और क्या ये बीजेपी की राह आसान करने वाला है? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे। साक्षी महाराज ने ओवैसी के प्लान को लेकर उन्हें थैंक यू जरूर कहा, लेकिन बीजेपी को यह बयान ना गवार गुजरा। पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी को जनता वोट देकर जिताती है, कोई बी सी या डी टीम नहीं जिताती।
जहां तक सवाल है इनकी पार्टी का, ओवैसी साहब की पार्टी का, उनकी अपनी पार्टी है, वो कहां लड़ेगी कहां नहीं लड़ेगी, लेकिन वैचारिक रूप से हम बिल्कुल उस पार्टी के खिलाफ है। वो पार्टी पूरी तरह से देश के हित में नहीं है, काम करने वाली है। इस तरह के जो थके हारे लोग जो है वो बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं, इसलिए जो है बीजेपी को जनता जिता रही है। कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी जो है वो हमेशा अव्वल टीम रही है और जनता उसके साथ है। तुम अपनी चिंता करो ना, ये जो छोटे 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 प्लेयर्स की चिंता करते करते जो है वो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो एकदम पूरी तरह से ध्वस्त और धाराशायी होती जा रही है। लेकिन ओवैसी के बंगाल दाव से टीएमसी में घबराहट देखी जा सकती है। पार्टी नेता ओवैसी को बीजेपी की कठपुतली बता रहे हैं। अच्छा देर माटी नय, बांगलार मानुष माटी, উন্নয়নের মাটি, ভবিষ্যতের মাটি, নিরাপত্তা কে দেবে? ভোটে ভোট কাকে দেব? উড়ন্ত পাখিকে দেব না আমার পাড়ায় যে পাশি বাসা আছে তাকে দেব? 12 जनवरी को जब ओवैसी यूपी के दौरे पर पहुंचे थे तो सवाल बंगाल को लेकर भी हुए। तब ओवैसी ने कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों को जिताने के लिए नहीं। क्योंकि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।